हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला आज हम इस वीडियो में कंप्लीट गुलाम या मामलूक वंश जिसको कि इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी कहते हैं उसको देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मोहम्मद गोरी के बारे में जानेंगे क्योंकि गुलाम वंश को जानने से पहले जो भी पहले आए थे शासक उनके बारे में जानना जरूरी है तभी आप चीज़ों को आगे कनेक्ट कर पाएंगे ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर मोहम्मद गोरी इन्वेडेड इंडिया तो किस वर्ष में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो ग्यारह सौ पचहत्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उस टाइम पे भारत पर इन्वेड किया था आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने और फिर उसके बाद आगे चल के इसका दो बैटल्स होता है युद्ध होता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है ग्यारह सौ इक्यानवे ई में और जिसमें कि मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ता है पृथ्वीराज चौहान से सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है ग्यारह सौ बानवे में जिसमें कि मोहम्मद गौरी का विजय हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है और ऑल्सो उसको मार दिया जाता है किसको पृथ्वीराज चौहान को ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन कि कि किंग भीमदेव सेकंड फर्स्ट ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने डिफीट किया मोहम्मद गौरी को एज़ क्योंकि गोरी ने उनके जो शासनकाल है रीन है उसके ड्यूरिंग या उस टाइम पीरियड में अटैक किया था नेक्स्ट देखिए मोहम्मद गोरी की डेथ हुई थी पंद्रह मार्च बारह में ठीक है चलिए मेज़र इन्विजन्स देख लेते हैं मोहम्मद गोरी ने इंडिया के अगेंस्ट कौन कौन से मेज़र आक्रमण किए थे तो पहला था इसका कंक्वस्ट ऑफ मुल्तान सबसे पहले मुल्तान और सिंध पर इसने आक्रमण किया था 1175 से लेके 1178 एडी में नेक्स्ट देखिए बैटल ऑफ अगेंस्ट ये बैटल ऑफ चंदावर इसको कहते हैं जो कि 1194 एडी में हुआ था और ये जयचंद राठौर के बीच में हुआ था और मोहम्मद गोरी ठीक है इसमें क्या होता है ये जो जयचंद है ये किसके फादर इन लॉ है ये पृथ्वीराज चौहान के फादर इन लॉ है पृथ्वीराज चौहान कौन वही जिसके साथ में तराइन का फर्स्ट एंड सेकंड बैटल हुआ था उसके बाद देखिए 1194 में चंदावर का या बैटल ऑफ चंदावर होता है नेक्स्ट देखिए कन्क्वेस्ट ऑफ़ गुजरात बुंदेलखंड बंगाल एंड बिहार ये 1195 नाइन्टी फाइव टू ट्वेल्व हंड्रेड टू ए डी तक होता है फिर रिवोल्ट ऑफ खोखरा ये इंपॉर्टेंट है खोखरा का विद्रोह कब हुआ था तो ये ट्वेल्व हंड्रेड फ़ाइव ए डी में हुआ था ठीक है तो इस तरीके से आपने मोहम्मद गोरी के बारे में जाना अब हम इसके जो गुलाम होते हैं मतलब कि ये बहुत सारे स्लेव्स को परचेज़ करता था ख़रीदता था तो इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक आता है फिर आता है कौन आ, फिर आपके इलतुतमेश आते हैं इस तरीके से देखिए यहाँ पर है यहाँ पे ये जो रूलर्स आप देख रहे हैं ये गुलाम वंश के रूलर हैं और यहाँ पे इनका टाइम पीरियड है ओके तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं फिर उसके बाद उनका पुत्र आराम शाह आता है तो मोस्टली इम्पॉर्टेंट हम देखने वाले हैं इस वीडियो में जो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में तो कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछे जाते हैं उसके बाद इल्तुतमिश से पूछे जाते हैं फिर रज़िया सुल्तान से उसके बाद आपका आ जाता है बलबन ये गयासुद्दीन बलबन और लास्ट आपका होता है कैकोबाद ये बालिग था बट कहीं कहीं आपको इसका नाबालिग पुत्र जो कि था क्यूमर्स उसको अंतिम अंतिम शासक कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी किसको कहा जाता है क्यूमर्स को कहते हैं ठीक है थीके? जो कि किसका बेटा था कैकोबाद का ओके बट वो माइनर एज में था वो मतलब कि बालिग नहीं था कौन क्यूमर्स तो चलिए देखते हैं फिर यहाँ पे टाइम पीरियड भी आपको ध्यान रखनी है ये सारे टाइम पीरियड है ओके तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1210 तक और इसके बाद आते हैं गुलाम वंश के बाद कौन से वंश खिलजी वंश आते हैं ठीक तो है तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने भारत लौटते वक्त अपना साम्राज्य किसको सौंप दिया था तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था क्योंकि ये इसका एक गुलाम था और कह सकते हैं कि इसका एक दामाद भी था ओके okay, तो कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज स्लेव एंड कमांडर ऑफ मोहम्मद गोरी ठीक है कमांडर भी था और एक ग़ुलाम भी था और ही वाज कॉल्ड मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं लाख बख्श लाख बख्श क्योंकि बहुत ज़्यादा ये काइंड पर्सन था बहुत ज़्यादा ये दान वगैरह करता था लाखों में दान करता था और इसका टाइटल इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी किसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ओके okay, इसने मलिक और सिपह सलार खुद को कहा क्योंकि ये खुद को एक स्लेव मानता था किसका मोहम्मद गोरी का दैट्स वाई इसने किसकी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की नेक्स्ट देखिए फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कहे तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही है बट अगर रियल फ़ाउंडर की बात करें तो वो है इल्तुतमिश ओके okay? इल्तुतमिश इज़ द रियल फ़ाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वास्तविक संस्थापक है गुलाम वंश का कौन अल्तुतमिश नेक्स्ट देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है और क़वत इस्लाम मॉस्क्यू मस्जिद ये दिल्ली में है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है ओके <coughs> उसने और भी कुछ कंस्ट्रक्शन किए थे जैसे कि कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है और ये किसके ऑनर में किया था ये सूफी एक संत थे जिनका नाम था ख्वाज़ा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तो इनकी याद में कुतुब मीनार को दिल्ली में बनाया गया है ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख़ुद के नाम पे बनवाया है ओके तो ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया है कुतुब मीनार को नेक्स्ट देखिए जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था ये तुर्की का था और इसका टाइम ड्यूरेशन रीन या शासनकाल कह सकते हैं तो बारह सौ से लेके बारह सौ दस तक चला था और इसकी डेथ हो गई थी एक चौगान नाम का गेम होता है ये इसको पोलो भी कहते हैं यही खेलते खेलते इसकी डेथ हो गई थी नेक्स्ट देखिए फ़खरुद्दीन एक राइटर था जिसने लिखा था तारीख़ ए मुबारक शाही इसके ही टाइम पीरियड में रहा करता था ठीक है तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ध्यान में रखनी है ओके अब देखिए हमको पता है कि धीरे धीरे फिर सल्तनत डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है ओके तो ये जो सल्तनत काल था वो कितने भागों में विभक्त था तो ये फाइव पार्ट्स में डिवाइडेड था ओके और अगर लॉन्गेस्ट डायनेस्टी की बात करें तो तुगलक डायनेस्टी थी और शॉर्टेस्ट की बात करें तो खिलजी डायनेस्टी थी आप थयर्स भी उसके देख सकते हैं ठीक है तो अभी हम फिलहाल में स्लेव डायनेस्टी की बात कर रहे हैं तो ये इसी पर फोकस करेंगे कि ये ट्वेल्व से लेकर ट्वेल्व तक था ऑलमोस्ट आप देख पा रहे होंगे कि एटी फोर तक था ओके okay? और बाकी डायनेस्टीज़ की बात हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे ठीक है अब देखिए हम इल्तुतमिश के बारे में देख लेते हैं इल्तुतमिश जो कि 1210 से लेकर 1236 तक था ठीक है और इसका ओरिजिनल नेम था शमसुद्दीन इलियास शमसुद्दीन इलियास इसका ओरिजिनल नेम था और शमसी डायनेस्टी थी इसकी या शमशी वंश था और इलबरी तुर्क थे ये सब ओके तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है अब इसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए हु कम्प्लीटेड कुतुब मीनार तो कुतुब मीनार को किसने पूरा बनवाया था तो ये बनवाया था इल्तमिश ने ओके अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कंस्ट्रक्शन का बेसमेंट एरिया था मतलब जो कुतुब मीनार का बेस वाला एरिया था उसको तो शुरू कर दिया था ट्वेल्व हंड्रेड में बट वो उसको फिनिश नहीं कर पाया था कंप्लीट नहीं कर पाया था ठीक है तो उसका जो सक्सीजर था उसका जो उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश उसने और कुछ तीन मंजिल और उसमें बनवाई थी ठीक किस में ये जो कुतुब मीनार था ठीक है उसके बाद नेक्स्ट 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने भी इसकी फोर्थ एंड फिफ्थ मतलब कि जो लास्ट स्टोरे है या मंजिल है उसको भी बनवाया था किसने फिरोज शाह तुगलक ने तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि बेस किसने तैयार किया बेस बेस तैयार किया ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके ऊपर बनाया फिर इल्तुतमिश ने उसके ऊपर फिर किसने बनवाया तो ये फिरोज शाह तुगलक ने तो इस तरीके से तीन रूलर्स ने मिल क्या बनवाया था कुतुब मीनार को कम्प्लीट किया था ठीक है चलिए देखिए यहाँ पे ये है कुतुब मीनार और ये 73 मीटर हाई टावर है और इसको कंप्लीट किया गया था बाय इल्तुतमिश ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं किसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाई थी तो ये देखिए इल्तुतमिश ने दिल्ली के दिल्ली को राजधानी बनाई थी लाहौर के स्थान पे ठीक है अब धीरे धीरे वो दिल्ली में सारी चीज़ों को क्या कर रहे थे लेकर आ रहे थे ओके तो देखिए जो इसने रूल ओवर किया था 1236 तक और इसने एक सिस्टम निकाला था जिसको कि तुर्क ए e चालीसा या तुर्क ए चहलगानी ग्रुप ऑफ़ फोर्टी पीपल्स लाइक जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना अभी करंट टाइम में उस तरीके का ग्रुप ऑफ़ फ़ोर्टी इसने निकाला था इल्तुतमिश ने ठीक है तो ये ही सारे डिसीजंस वगैरह लेते थे तो ये ग्रुप ऑफ फोर्टी पीपल्स थे और ये क्या था स्लेव था एंड सन इन लॉ था ऑफ़ कुतुबुद्दीन ऐबक तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से इसका निकाह भी हुआ था और ये स्लेव भी था उसका ठीक है तो स्लेव ऑफ स्लेव्स किसको कहते हैं मतलब गुलामों का गुलाम किसको कहते हैं तो इल्तुतमिश को कहते हैं तो है क्योंकि इसका जो ओनर था ये भी एक स्लेव था और स्लेव का स्लेव तो ये क्या हुआ इल्तुतमिश स्लेव ऑफ स्लेव गुलामों का गुलाम कहा जाता है इसे ठीक है नेक्स्ट देखिए किसने जीतल और टांका नामक दो सिक्के चलवाए थे तो ये किसने चलवाए थे ये चलवाए थे इल्तुतमिश ने ओके तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्वर कॉइंस जिसको कि टांका नाम से इसने चलाया कॉपर कॉइंस जिसको कि जीतल नाम से इसने चलवाया था नेक्स्ट देखिए उसने एक एक्ता व्यवस्था भी शुरू की थी ठीक है एकता सिस्टम तो ये क्या होता था कि जो सल्तनत या लैंड वगैरह थी तो उसको उसने डिवाइड कर दिया था बांट दिया था बहुत सारे जो छोटे छोटे इलाके होते हैं स्मॉल ट्रैक्ट्स में ठीक है इसी को एकता कहा जाता था फिर वो क्या करता था इन्हीं एकता को अपने सोल्जर्स वगैरह ऑफिसर्स वगैरह या नोबल्स या जो तुर्के चहलगा की व्यवस्था इसने लगाई थी तो उसमें क्या करता था डिस्ट्रीब्यूट कर देता था ठीक है क्या तो यही सारी चीज़ें वो स्मॉल uh, ट्रैक्ट्स मतलब कि इलाकों में व्यवस्थित करके वो क्या करता था अपने जो भी उसके नोबल सोल्जर्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करता था इसी को कहते हैं इकतादारी सिस्टम ओके नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है देखिए फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन हमने देख लिया बट थर्ड बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1216 में ठीक है मामलुक किंग या फिर स्लेव डायनेस्टी का जो किंग था इल्तुतमिश के बीच में और गुरीद जनरल ताज अल यल दिन यलदौज के बीच में ठीक है तो आप बस यही ध्यान रखिएगा यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ तराइन इन 1216 हंड्रेड सिक्सटीन ठीक है देखिए इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में ना मीन हाज़ उस सिराज जो कि ऑथर हैं तबकाते नासीरी के वो भी रहा करते थे ठीक है मीन हाज़ उस सिराज किसके ऑथर हैं या किस बुक के ऑथर हैं तो तबकाते नासिरी ठीक है ये आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट देखिए भारत पर शासन करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी तो ये थी रजिया सुल्ताना तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये किसकी डॉटर थी ये इल्तुतमिश की डॉटर थी ओके okay? तो इन्होंने मात्र चार साल तक बारह सौ छत्तीस से लेकर चालीस तक शासन किया था और याकूत इनका एक स्लेव था और ये जो रजिया थी इनकी शादी हुई थी अल्तुनिया से जो कि भटिंडा का गवर्नर था <coughs> ओके okay. फिर ट्वेल्व हंड्रेड फोर्टी में इनकी आ, इनकी डेथ हो गई मतलब डेथ क्या कह सकते हैं इनको मार दिया गया कहाँ पे ये हरियाणा के पास एक कैथल नाम का एक प्लेस पड़ता है वहाँ पर तो ये जो अलतुनिया है और प्लस ये रज़िया ये दोनों की शादी हुई थी और ट्वेल्व हंड्रेड फोर्टी में ही इन दोनों को मार दिया गया था किसके द्वारा एक तो ये लड़की थी ठीक है और जो भी इस इनके जो चहलगानी सिस्टम जो ग्रुप ऑफ फोर्टी नोबल्स या पीपल थे जो कैबिनेट लाइक -like थे तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्यों क्योंकि एक वुमन क्या नहीं हो सकती एक रूलर नहीं हो सकती एक महिला शासिका को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ठीक है बट एल्टू तमिश ने कहा था कि मेरी जो डॉटर है वो ही एक वर्दी कैंडिडेट है कि वो राजगद्दी पर बैठे बट क्या होता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि एक फीमेल या एक औरत एक महिला शासिका हम देखें ठीक है बट ये क्या होता है टोपी वगैरह लड़कों की तरह मतलब जो जैसे किंग वगैरह अपने आप को पहनते थे घोड़ों की सवारी करना ये सारे काम वगैरह जो भी किंग वगैरह करते थे उनकी तरह करती थी और दिखाने की कोशिश करती थी कि मैं भी एक अच्छी शासिका बन सकती हूँ आप लोग जैसे किंग से एक्सपेक्ट करते हैं ठीक है तो ठीक है तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हु स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ़ ब्लड एंड आयरन तो रक्त और लोह की नीति किसने शुरू की तो ये बल्बन ने शुरू की थे ग्यासुद्दीन बलबन ने और देखिए इसने एक और सिस्टम शुरू किया था पैबोस एंड सिजदा ठीक है पैबोस एंड सिज़दा क्या होता है कि किसिंग द फीट्स जो पैरों को चूमना या फिर सिज़दा क्या होता है इसे अपना सिर झुका के अपने जो भी लॉर्ड या फिर रूलर हैं या किंग हैं उनके सामने बात करना तो ये ये सिस्टम इसने इसलिए शुरू किया था कि जो ये जो तुर्क ऑफ चहलगानी मतलब कि जो ग्रुप ऑफ फुटी पीपल्स है तो उनको हटाने के लिए ठीक है उनको बिल्कुल बैन करने के लिए उसने ये सिस्टम ही खत्म कर दिया क्योंकि ये भी एक मेंबर रहा था उस तुर्क ऑफ चहलगानी का और इसने देखा था कि ये लोग किंग के खिलाफ या राजा के खिलाफ कैसे कैसी बातें करते हैं ठीक है तो सबसे पहले जब ये राजा बना बलबन राजा बना तो इसने सबसे पहले ये सिस्टम जो तुर्क ऑफ चहलगानी है उसको ख़त्म कर दिया उसके बाद इसने शुरू किया पैबोस एंड सिजदा सिस्टम ताकि जो किंग है या रूलर है उनको सब ऑनर दे सम्मान दे ठीक है और इसने एक टाइटल दिया खुद को जिल्ले इलाही मतलब कि खुद को ईश्वर की छाया बताया ठीक है तो अब ईश्वर की छाया बता दिया फिर तो इसके बाद कोई बात ही नहीं रह गई कि आप बलबन की बात को एक्सेप्ट uh, नहीं कर सकते ठीक है तो इस तरीके से और नियामतें खुदाई खुद को ईश्वर का क्या बोलता है पुत्र बताया उत्तराधिकारी बताया तो इस तरीके से इसने ऐसी ऐसी बातें की ताकि लोग इसके क्या रहें नीचे रहें अंडर में रहें ठीक है और ये अपना रूल आउट कर सके और इसने एक फेस्टिवल भी शुरू किया पारसी कम्युनिटी uh, से बिलोंग करता है ये फेस्टिवल जिसका कि नाम है नवरोज ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं देखिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बलबन के बारे में उसने देखिए मैंने आपको बताया कि चालीसा वाले सिस्टम को जो ग्रुप ऑफ फोर्टी पीपल्स हुआ करते थे इनको ख़त्म कर दिया और इसने स्पाइस मतलब कि जो गुप्तचर वगैरह है इनको आ, क्या, -क्या आ, किया अपॉइंट किया ठीक है और इसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट भी बलबन ने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश किया जिसका कि नाम रखा दीवान अर्ज़ ठीक है ओके okay. तो देखिए फिर लास्ट रूलर की अगर बात करें स्लेव डायनेस्टी की तो वो कैकुबाद था ये देखिए ये बालिग था ओके okay? बट क्या होता है कि कैकुबाद का एक सन होता है क्यूमर्स तो ये नाबालिग होता है माइनर एज में होता है ठीक है तो कैकूबाद का जो एक सन होता है क्यूमर्स इसको भी कहीं कहीं कहते हैं कि स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर होता है बट कहीं कहीं ऑप्शंस में आपको कैकोबाद भी देखने को मिलते हैं ठीक है तो दोनों ही सही है और दोनों में से कोई एक ही आपके ऑप्शंस में एग्जाम में दिखेगा क्यूमर्स वैसे सही है क्योंकि लास्ट यही था बट ये माइनर में था मतलब कि बालिग नहीं था ये ठीक है और ये जो कैमर्स है उसकी हत्या करवा दी जाती है किसके द्वारा करवाई जाती है तो ये जो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या था अंकल था ठीक है उसके द्वारा हत्या करवा दी जाती है कैमर्स की तभी फिर खिलजी डायनेस्टी इस्टैब्लिश की जाती है ठीक है नेक्स्ट देखिए उस मंगोल का नाम बताइए जिसने इल्तुतमिश के शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था तो ये कौन था चंगेज़ ख़ान था ठीक है चंगेज़ ख़ान था इसने इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में क्या किया था दिल्ली सल्तनत पर आ, क्या किया था आक्रमण किया था उसके बाद देखिए चंगेज़ ख़ान का जन्म 1162 सिक्सटी एड में होता है मंगोलिया में और ये मंगोल एम्पायर का फाउंडर कहते हैं इसको अब देखिए हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं जल्दी जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं हिस्ट्री में तो उसको रिवाइज़ करना तो ज़रूरी है तो देखिए इंट्रोडक्शन देखते हैं तो स्लेव डायनेस्टी को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था और जो ये स्लेव डायनेस्टी है बारह से लेके बारह तक चली थी और ये फर्स्ट डायनेस्टी थी किसकी दिल्ली सल्तनत की ओके और ये जो डायनेस्टी थी इसको एंड किया गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा जब इसने जो कैकोबाद का एक बेटा था सोन था क्यूमर्स उसकी हत्या कर दी ओके okay? और डायनेस्टी वॉज सक्सीडेड बाय द खिलजी और खलजी डायनेस्टी द सेकेंड डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत जैसा मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी का जो अंकल था जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी उसने लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी को किल कर दिया या उसकी हत्या कर दी तभी उसने सेकेंड डायनेस्टी अपनी खिलजी नाम से स्थापित की नेक्स्ट देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये 1206 से लेकर 1210 तक था और इसने मामलुक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी और इसने जो बहुत सारे तरीके के क्या होते हैं कि इस्लाम वग़ैरह के विक्ट्री प्रदर्शित करने के लिए इसने मस्जिद वगैरह भी बनवाए थे जैसे इस्लाम मस्जिद दिल्ली में ठीक है अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे अजमेर में और इसने कंस्ट्रक्शन शुरू तो किया था कुतुब मीनार का बट इसको कंप्लीट नहीं कर पाया था ठीक है कंप्लीट किसने किया था अलतु तमिश ने कंप्लीट किया था और ये डेडिकेटेड था किसको सूफी सेंट थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तो इसी कुतुबुद्दीन के नाम से इसने कुतुब मीनार बनवाया था ना कि अपने नाम से ठीक है नेक्स्ट देखिए हमने पढ़ा था इल्तुतमिश के बारे में तो ये ट्वेल्व से लेकर ट्वेल थे और इसका ओरिजिनल नेम था जो रियल नेम था ये शमसुद्दीन इलियास ओरिजिनल नेम एंड इस ये सन इन लॉ था किसका कुतुबुद्दीन ऐबक का ओके और ये गुलामों का गुलाम स्लेव्स ऑफ स्लेव तो ये था इल्तुतमिश ठीक है और जो चंगेज खान है इनका आक्रमण भी होने वाला था बट इसने संभव कैसे करके वो सेव कर लिया इंडिया को ठीक है और क्योंकि चंगेज खान वाज वेरी क्रुएल बहुत ज्यादा वो निर्दयी था तो इस तरीके से इंडिया को सेव कर लिया एलतु ने और इसने लाहौर से दिल्ली अपनी कैपिटल को क्या किया था ट्रांसफ़र या शिफ्ट किया था ठीक है और इसने जो कंस्ट्रक्शन ऑफ़ कुत उल इस्लाम मॉस्क्यू है और कुतुब मीनार इसको कंप्लीट किया था और इसने क्या इकतेदारी सिस्टम स्थापित की थी ठीक है और इसने फोर्टी मुस्लिम नोबल्स को क्या किया था क्रिएट किया था तुर्कान ए चहलगानी सिस्टम को क्रिएट किया था कि इसमें चालीस ग्रुप के लोग रहेंगे मतलब चालीस लोगों का ये ग्रुप रहेगा और इसने देखिए कॉइनेज सिस्टम को शुरू किया था सिल्वर कॉइन जिसको कि टांका कहते हैं और बिरंज इसको ब्रॉन्ज कॉइन्स को कहते हैं कांसे की मुद्रा को जीतल कहते हैं कॉपर कॉइंस को ओके और इसने नॉमिनेट किया था अपनी डॉटर रज़िया को एज हिज सक्सेजर ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं बलबन के बारे में बलबन बहुत इंपॉर्टेंट है बलबन वाज ग्रेटेस्ट इन स्लेव डायनेस्टी तो ये बहुत महानतम शासक अगर कहे स्लेव डायनेस्टी का तो यही था इसने चहलगानी सिस्टम को अबोलिश किया मतलब कि जो इल्तुतमिश चालीस ग्रुप सरदारों का दल लेकर आया हुआ था कि ये चालीस सरदार रहेंगे तो उनको अबोलिश कौन करता है बलबन करता है ओके और उसके बाद क्या होता है कि बलबन ने जो सिजदा और पैबो सिस्टम शुरू किया था ओके दीवान अर्ज़ जो कि एक मिलिट्री डिपार्टमेंट या डिफेंस डिपार्टमेंट है उसको इस्टैब्लिश किया था और इसने मंगोल के ख़िलाफ़ में ब्लड एंड आयरन रक्त और लौह की नीति अपनाई थी ठीक है और इसकी डेथ हुई थी ट्वेल्व हंड्रेड एटी सिक्स ए में ठीक है नेक्स्ट देखिए एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं शमशुद्दीन इल्तुतमिश स्लेव डायनेस्टी रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत और शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू तो दिल्ली। ग्यासुद्दीन बलबन स्लेव डायनेस्टी ये किसका स्लेव था ये था इल्तुतमिश का स्लेव और इसने तुर्कानी चहलगानी सिस्टम को क्या किया था एंड किया था ख़त्म किया था और इसने सिदा और पैबोस सिस्टम शुरू किया था और क्या किया था नवरोज जो कि पारसी कम्युनिटी से बिलोंग एक फेस्टिवल है उसको भी शुरू किया था रज़िया सुल्ताना जो कि स्लेव डायनेस्टी की पहली महिला शासिका या ओवरऑल देखे तो भी पहली महिला मुस्लिम शासिका थी और इल्तुतमिश की डॉटर थी और फ़र्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमन टू रूल ओवर डेली ठीक है नेक्स्ट देखिए दिस क्वेश्चन इज फॉर यू एंड आपको करेक्ट आंसर कॉमेंट सेक्शन में देना है किसने दल चालीसा को खत्म किया हु अबलस्ज टूर्क ए चहलगानी सिस्टम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देना अपना खूब सारा ध्यान रखिए